Life is unpredictable and can be unfair at times. ध्रुव, एक दो साल पहले तक सब ठीक था, अब तो वो हम पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनता। आज तो उसने मुझे पुलिस की धमकी तक दे दी। वो जमीन हमारी है, पेपर्स हैं मेरे पास वो जमीन के। हमने उनको वो जमीन सिर्फ खेती करने के लिए दी थी और आज वो क्लेम कर रहे हैं हमारी जमीन पर। यार बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है, सेल्स दिन ब दिन डाउन होते जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि हमारी सेल एकदम से डाउन हो गई? दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे मेरे हार्डवर्क का क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलता। हमारी बेटी एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है, इसका कोई इलाज नहीं। तू 40 साल की हो गई है। एक बात बताओ, क्या मैं किसी से भी शादी कर लूँ? और आपको पता है ना कैसे कैसे लड़के सजेस्ट करते हैं रिश्तेदार। उनकी भी कोई गलती नहीं है, अब उम्र तो हो गई है ना तेरी। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है क्योंकि मेरी उम्र निकल गई है। वीरेंद्र, कुछ रातों से मुझे रोज डरावने सपने आते हैं और उन सपनों में जले हुए कटे फटे चेहरे। Little guidance and spiritual help can make all the difference. ध्रुव, जो अपने पेरेंट्स को ही दुश्मन समझने लगा था, आज हमारी हर बात मानता है। अमृत चाचा ने वो क्लेम वापस ले लिया है और हमारी जमीन हमारे परिवार के पास है। हमारा बिजनेस जो लॉस में जा रहा था और बंद होने की कगार पर था, अचानक संभलने लगा और जल्दी हमारा बिजनेस प्रॉफिट में रन करने लगा। मैं अपनी कंपनी में आज मार्केटिंग हेड हूँ। अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। आज कनिका की शादी को 1 महीना हो चुका है और दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। बताते हुए मन भर आता है कि कैसे स्वामी जी ने इतने कम समय में मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। To understand and solve the root of your problems through ancient wisdom tradition. All the Swami. Spiritual Vidya by Sri Chamunda Swami Ji.